कल का दिन ऐसा दिन था जब शिल्पा शेट्टी के ऊपर दो तरीके की अलग अलग चीजें आ रही थी, एक हंगामा 2 के रिलीज का प्रेशर, वहीं दूसरा राज कुंद्रा की न्यायिक हिरासत का 23 जो तारीख थी वो दिन। अब ऐसे में आप सभी दर्शकों को बता दूं तो शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया और उसी पोस्ट को लेकर शिल्पा शेट्टी हो गई बुरी तरीके से ट्रोल। लोग कहने लगे कि पति जो है पोर्नोग्राफी इवेंट पे इस तरीके से फंसा हुआ है, इस केस पे इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है और पत्नी को देखो, उसको अपनी फिल्म की पड़ी है। मैं राहुल घोष स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की कि आखिरकार क्या हुआ ये माजरा। कल के दिन रिलीज से पहले शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, बोला कि योगा ने मेरी जिंदगी को संवारा है, बिगाड़ा नहीं है और प्लस मैं आगे भी इस तरीके से मेहनत करती रहूंगी। फिल्म के रिलीज का मौका है, हंगामा 2 का उन्होंने पोस्टर शेयर किया था जहां पे लिखा था कि जो करंट इवेंट चल रहे हैं उससे फिल्म नहीं है पर उनसे द शो मस्ट गो ऑन, इस तरीके की बातें लिखी थी, राइट। अब शिल्पा शेट्टी ने तो वो पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद शिल्पा शेट्टी जो है बुरी तरीके से ट्रोल होने लगी। अगर आप उसमें ही कमेंट सेक्शन में नीचे देखेंगे तो लोग कहने लगे कि भैया पति जेल में है पोर्नोग्राफी के चलते और पत्नी को अपनी फिल्म की पड़ी है, वाह भाई वाह, ये किस तरीके का जमाना आ गया। कुछ लोग कहने लग गए कि शिल्पा शेट्टी ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती है कि तुमने हंगामा 2 में काम किया। ऐसे क्या हंगामा 2 में तो काम करना है तो मैं सभी एक्टर्स की बड़ी गलती कह सकता हूँ, और प्लस प्रियदर्शन साहब ने क्या ही बना दी है फिल्म, हमें क्या ही बताऊं। आपने रिव्यू देख लिया होगा, जरूर देख लेना, अपलोड हो गया चैनल में, ठीक है। अब उसके बाद कुछ लोग ये भी कहने लग गए कि वाह भाई वाह, आप तो सोशल मीडिया पे परफेक्ट फैमिली का एक ड्रामा करते थे, उसका क्या ये अचानक से ये क्या हो गया आपके उसमें, ठीक है, ये अचानक से इस तरीके का राग क्यों अलपाया। सो कुछ चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे सामने आई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे ट्रोल नहीं करना चाहिए। वो भी क्या करें ना, ये तो प्रोफेशनल मैटर अलग ही है फिल्म वाला। खैर, जो भी आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, बने रहें चैनल के साथ।